पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके साथ में है और उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा, हम लोगों ने इस व्यवस्था में एक और भी जोड़ा है, अनेक स्कीम निकलती है। हमारा वो मॉडल अगर गोरखपुर में सफल हो जाता है, हमने कहा भी पत्रकारों को भी आवासीय सुविधा सस्ते में, उनको अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके जिससे आवास के लिए उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए। और वह मान्यता प्राप्त पत्रकारों का, बल्कि मुझे लगता है कि सभी संपादकों की एक टीम बनाकर के वही इस चीज को सुनिश्चित करें कि उसमें कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें सही लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से और मॉडल सफल होता है तो हम हर महानगर के अंदर इस योजना को लागू करना चाहते हैं, जिससे हर वह पत्रकार जो वास्तव में लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जूझता है सर्दी गर्मी बरसात बीमारी या कुछ भी होता है, दिन रात की परवाह के बगैर लगातार रिपोर्टिंग करता है, सही जानकारी देता है, वास्तविक तथ्यों से शासन प्रशासन को अवगत कराता है, उनको भी एक आश्रय की व्यवस्था की जा सके। इस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, एक कार्यक्रम चल रहा है। अगर वह मॉडल सफल होता है तो मेरा मानना है कि इसको हर नगर महानगर के अंदर हम लोग लागू करने में सफल हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सूचना विभाग को इस कार्यक्रम को सरदेव अटल जी की स्मृति में यहां पर आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। सरदेव अटल जी को और अपने उन सभी दिवंगत साथियों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने आप को अपने परिवार से बिछड़े हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है लेकिन उनकी स्मृतियां उनकी लेखनी के माध्यम से सदैव हमें स्पंदित करती हैं। मैं उन सब के प्रति आज यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी होकर के उनके हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेगी। आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए, खासतौर पर अपने यहाँ के सभी जितने भी हमारे संपादक गण हैं, माननीय संपादक गण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अन्य मीडिया हमारे प्रवक्ता गण हैं, सभी उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।